हेलो गाइस, तो आज हम आए हैं क्या नाम है अपने गार्डन में, तो आपको दिखाएंगे हम अपने गार्डन के बारे में। कैसे हो आप लोग? जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है आकाश पांडे और ये मेरा चैनल है ब्लॉगर 877। तो आज हम आपको दिखाते हैं अपने बगीचे के बारे में, जो आप हमारे पीछे जस्ट देख ही रहे होंगे। तो ये आप देख सकते हैं साइकस पाम का पेड़ है, ये देखिए कितने अच्छे से लगा हुआ है, कितने बेहतरीन तरीके से। मैंने आप लोगों ने देखा होगा कई सारे रील भी बनाई थी इसकी, ये देखिए कितने बेहतरीन इसके पत्ते हैं। जो लोग मुझे जानते होंगे जयपुर में, वो जानते होंगे कि हमारे जयपुर वाले घर में भी लगे हुए थे बहुत सारे, ये देखिए गाइस। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये जो इसके बगल में लगा हुआ है जैस्मिन का पेड़ है, ये देखिए इसकी खुशबू बहुत बेहतरीन आती है इसके अंदर। मोबाइल की वीडियो पर तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन ऐसी खुशबू बहुत बढ़िया आती है। और ये आप देख ही रहे हैं नीम का पेड़, और ये देखिए गाइस पीपल का पेड़, और एक ये कोई ग्लेशिया ऐसे कुछ नाम से है ये पेड़, जो सिर्फ हरियाली रहती है इससे अंदर, और सीजन में एक बार। और ये जो आप देख रहे हैं, आप में से बहुत लोग जानते होंगे ये एलोवेरा है, जो हम जयपुर में रहते थे तो हमारे दोस्त लोग बहुत मांगा करते थे, कहते हैं कि इसमें से क्या नाम है वो तोड़ कर सब्जियां भी बनती है कई लोग बोलते थे, और क्या नाम है बहुत लोग बोलते हैं कि चेहरे वगैरह पे लगाओ तो दाग धब्बे मुआ से। ये देखिए आप, ये रेड रोज़ का फ्लावर मतलब पेड़ है, और ये येलो, ये पास के ही नर्सरी से लेके आया था। इस टाइम पे तो बहुत दिक्कत हो रखी है, क्या है गर्मियों का टाइम है। और ये जड़ी बूटियाँ यानी कि तुलसी का पेड़ है ये गाइस। और ये देखिए हमारे जयपुर में भी एक इस वाला पेड़ तो सबसे पहले मैं वहीं देखा था, तो खंडर था वहाँ पर जो भी है हमारे दिलीप भाई के पेड़ घर के पीछे। ये देखिए वाइट रोज़ का है, ये वाइट रोज़ का है, और ये पिंक का है, थोड़े थोड़े पिंक आते हैं इसमें भी, जस्ट पेड़ अभी लगा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। ये भी वाइट, और ये वाइट है, ये पिंक है, और ये थोड़ी ऑरेंजनेस होती है इसकी मतलब फ्लावर। ये देखिए पपाया यानी कि पपीता, ये भी रेड रोज़ है। और ये देखिए आप येलो रोज़ का पौधा, ये देखिए आप इसकी जड़ वगैरह से कितने ज़्यादा बेहतर। भाई इस टाइम पर गर्मी है इसलिए हर सारे के सारे। और ये है कोई डहेलिया ऐसे कुछ नाम से, हमारे दादाजी लेके आए थे इसको जयपुर से। और ये है बिग फ्लावर, जिसे बोलते हैं अपन बिग बकाड़ा ऐसे कुछ नाम से है ये फ्लावर रोज़ का। और ये देख रहे हैं जो आप, ये अजवाइन का है, सूंघने पर अजवाइन जैसे इसकी स्मेल आती है, ये अजवाइन का है, और इसी के ऊपर मैंने रोज़ लगा रखा है। और इसके आगे आप लोग देख सकते हैं ये जो है ये लौंग का पेड़ है, इसकी मैं आपको आगे की अपडेट भी देता रहूँगा। और ये गाइस एक कुछ ऐसे कुछ नाम से पत्थर चट्टा ऐसे कुछ बोलते हैं ऐसे, लेकिन मुझे करेक्ट पता नहीं है। और ये जो देखिए इसके अंदर ये अलग ही फ्लावर गाइस, इसके अंदर वाइट और रेड एक में ही खिलते हैं, मतलब एक फ्लावर में आगे की तरफ ऊपर के नीचे वाइट और नीचे की तरफ रेड। और ये गाइस उसी वेराइटी का फ्लावर है मतलब पौधा है, जो कि देख रहे हैं आप कितने डैमेज हो रखा है। कौन ब्लॉक बना रहा है? और ये उसके बाद में आपको दिखाते हैं आम का पेड़, ये सन फ्लावर का लेकिन एकदम बेकार हो चुका है। और ये आम का पेड़ आप देखिए मतलब कितने पास में कितने नीचे लगे हुए हैं इसमें आम, ये दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ मैं, ये देखिए। कितने बेहतरीन आम के पेड़ लगे हुए हैं। और ये गाइस हमारी पुरानी बाइक तो इसकी क्या है रिम की दिक्कत हो गई है, तो वो टूट गई, वो बनवाने नई रिम लाने के लिए
दे रखी है मिस्त्री को। और ये है निमेशिया गाइस, बहुत शानदार पौधा है, ग्रीन ग्रीननेस आती है इससे। देखिए और ये आप जो देख रहे हैं ये चीकू का पेड़ है, ये देखिए आप चीकू लगे हुए भी हैं यहाँ पे, ये देखिए। और ये जो है हमारे यूपी में बहुत होगा शायद, लेकिन हमारे यहाँ आस पास क्षेत्र में बहुत कम है। ये रेड क्या बोलते हैं इसे, ये रेड कलर का फूल है, मैं नाम भूल गया इसका भी बताता हूँ आपको। और ये वही ग्लेशियर, ग्लेशियर के अंदर एक मम्मी ने कोई मिर्ची का बीज डाल दिया था, ये देखिए इसके अंदर मिर्ची कितनी शानदार लगी है इसके अंदर पेड़ में। हाँ तो गाइस अभी हम बगीचे में ही हैं और आपको दिखाता हूँ संतरे का पेड़। ये देखिए ऑरेंज जिसे बोलते हैं, ये देखिए इसके अंदर ऑरेंज लगे हुए भी हैं। आप लोग समझ रहे होंगे नींबू का है, लेकिन नींबू के जैसे ही ऑरेंज भी होता है और ऑरेंज के जैसे ही नींबू भी। अभी आपको नींबू के पेड़ भी दिखाते हैं जिसके अंदर इतने ही बड़े बड़े नींबू लगे हुए हैं, मतलब ये सिमली की ऑरेंज और नींबू दोनों के पेड़ एक जैसे होते हैं, सेम कांटे, और अगर वो कच्चे हैं तो उनकी स्मेल भी एक जैसी आती है। ये आप लोग देख सकते हैं अमरूद का पेड़, इसके अंदर बरसात में बहुत बढ़िया अमरूद के पेड़ आते हैं। आप ये समझ लीजिए कि गर्मी का मौसम है और सब कुछ मतलब तहस नहस हो रखा है इस टाइम पर। तो अभी हम नींबू के पेड़ के पास आ गए, ये देखिए आप नींबू का पेड़ है, इसके अंदर ये देखिए नींबू लगे हुए हैं छोटे छोटे, मतलब सेम ऑरेंज के जैसे इसके अंदर नींबू भी लगे हुए हैं। गाइस आपको एक और बढ़िया पेड़ दिखाता हूँ, ये हमारे तोते के लिए लाए थे, एक कोई तोता गिर गया था तो उसको लेके आए थे, इलाज करके वापस हमने छोड़ दिया उसे। ये देखिए गाइस नींबू का। और अब आपको दिखाता हूँ मैं एक ऐसा पेड़ है मैं लेके आया था, जिसे हम ऐसे बोलते हैं कि जो साल में दो तीन बार फल देता है, आम का पेड़ है जो एक बार सिर्फ गर्मियों में नहीं अलग अलग समय पर फल देता है। और बैक कैमरे से दिखाता हूँ मैं आपको, देखिएगा ये जो पौधा है ये आम का, ये अलग ही तरीके का है, बहुत दूर से लेके आया था मैं यहाँ की नर्सरी में। ये साल में तीन बार फल देने के लिए बोला, लेकिन फ़िलहाल गाइस अभी इसमें कोई फल वगैरह नहीं आए, थोड़ा बड़ा था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक नील गाय आ गई या कोई गाय थी तो उसे खा गई ऊपर से, इसके लिए हमने प्रोटेक्शन वगैरह तमाम लगा रखे हैं इसके अंदर, लकड़ी और क्या नाम है कई सारे जाल वगैरह।